Hello friends, welcome back to my channel. So before starting anything, I want to wish you all a very happy Diwali. And I also want to include here, if you are new here, please do subscribe to my channel because that will be a great support. And I'm trying my best to keep new interesting videos. So if you are liking those videos, please always give me a thumbs up. And also if you have any suggestions about my videos or this channel, please do share with me in comment section. I would definitely do something related to your comments. So today's video is about small home temple decoration. So I don't want to make it in English because we are talking especially about Hindu temple. So friends, aaj ka video hai small temple decoration ke bare mein, ek chhota sa puja ghar jo hum apne ghar mein banate hain, especially jab hum rented house mein rehte hain ya fir small ghar mein rehte hain, kyunki तब एक पूजा रूम सेपरेटली मिलना बहुत ही मुश्किल होता है. तो हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा मंदिर ले आते हैं, उसी को सजाते हैं दिल से. तो आप उसे देखेंगे और अगर आपको कोई चीज पसंद आए तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा. चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जिसके अंदर कुछ मूर्तियां रखी हुई है. मैंने छोटा ही मंदिर लिया है क्योंकि हम शिफ्ट करते रहते हैं तो बड़ा मंदिर थोड़ा रिस्की हो जाता है अगर तुम उसको ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते हो तो. लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इस मंदिर को ही पूरी तरह से डेकोरेट करूं और साथ ही मैंने इसके आसपास भी काफ़ी चीज़ें रखी हैं तो जिससे ये पूरा मुझे एक मंदिर वाला फील दे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी दिवाली नज़दीक है तो मैंने इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी माता और माता सरस्वती को रखा है. तो गणेश जी तो मेरे हमेशा यहीं पे होते हैं, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को मैंने स्पेशली जो है दिवाली के लिए लगाया है. मैंने इन्हें उसी सीक्वेंस में लगाया है जिस सीक्वेंस में ये यूजुअली पोस्टर्स या फिर फोटोज़ में होते हैं. तो जैसे पहले गणेश जी होते हैं, फिर माता लक्ष्मी और फिर सरस्वती, बट माता लक्ष्मी थोड़ा ऊपर होती हैं तो मैंने कुछ उसी तरीके से यहाँ पर इन्हें लगाया है. तो जो मेरे गणेश जी हैं वो चौकी में बैठे हुए हैं क्योंकि पहले मेरे पास सिर्फ गणेश जी होते थे, फिर मैं बाद में मूर्तियाँ लाई हूँ जैसे कान्हा जी की, ये बजरंग बली की और फिर ये माता रानी की मूर्ति. इन सभी को मैंने धोकर यहाँ पर लगाया है इसीलिए ये इतनी चमक रही हैं. तो उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने जो ये मेरा मंदिर है इसके जो पिलर्स से बने हुए थे तो उसमें मैंने एक डेकोरेटिव टेप चिपकाई है. मुझे उसका जो उस पर डिज़ाइन बना हुआ था वो काफ़ी अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने उस टेप को यहाँ पर यूज़ किया है. तो ये यहाँ पर ऐसे इसमें एक स्लाइडिंग पोर्शन भी है जिसमें मैं भगवान जी को भोग लगाते वक्त जैसे जो भी प्रसाद होता है उसमें वहाँ पर रखती हूँ एक ब्रास की कटोरी में. तो यहाँ पर ये जो मैंने एक गार्लैंड सजा के रखी हुई है पूरे मतलब पूरे मंदिर के लिए है. और ये जो यहाँ पर एक कॉइन्स है वो उसी की मैंने डिब्बी में रखा हुआ है तो वो मनसा देवी से मेरी सिस्टर मेरे लिए लेकर आई थी. यहाँ पर आसन तो मिलते नहीं हैं तो मैंने इस तरह की एक शीट यूज़ की हुई है जिसे मैं चेंज करती रहती हूँ. तो ये था मंदिर के अंदर का सारा कुछ. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस साइड मैंने क्या रखा हुआ है. तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपने शिवलिंग की स्थापना की हुई है, मैंने उन्हें एक चांदी की प्लेट में रखा हुआ है क्योंकि उनका जलाभिषेक करते रहना होता है. तो वैसे शिवलिंग को काफ़ी रूल्स के साथ रखा जाता है पर मैं कोशिश करती हूँ जितने मैं रख सकती हूँ उतने रूल्स का पालन मैं करती हूँ और बाकी तो श्रद्धा होती है. यहाँ पर मैंने इस तांबे की जो प्लेट है उसमें शंख रखा हुआ है और ये जो यहाँ पे मैंने दिया रखा इसमें मैं त्योहारों के टाइम पे अखंड जोत जला देती हूँ घी डाल के. तो ये काफ़ी क्योंकि बड़ा है तो ये पूरी रात भर जलता रहता है और मैं वैसे घी और डालती रहती हूँ. तो यहाँ ऊपर ही आप देखेंगे तो मैंने घर में खुद ही कुछ क्राफ्ट करके ये दिवाली की वॉल हैंगिंग बनाई हुई है स्पेशली पूजा घर के लिए. मुझे बहुत अच्छा लगता है दिवाली पे अगर मैं अपने हाथ से कुछ बनाती हूँ तो. तो साथ ही मैंने उसके ब्लू कलर की फेरी लाइट्स भी लगाई हुई हैं. और वैसे भी जब हम अपने हाथ से कुछ बनाकर अपने घर को सजाते हैं तो वो चीज़ तो अच्छी लगती ही है. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपने हाथ से कुछ बनाना त्योहारों पर. तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस रैक के नीचे. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कांसे का पात्र रखा हुआ है जिसमें मैं यूजुअली भगवान जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद रखती हूँ इस स्लाइडर पे. और यहाँ पर इस बास्केट में मैंने रखा है अपना जो भी रोज की पूजा में यूज होने वाला सामान, जैसे इसमें घी रखा हुआ है, इसमें सरसों का तेल रखा हुआ है. तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया टिश्यू से जिससे कि ये थोड़ा मैस कम करता है. इस बॉटल में मेरे गंगा जल रखा हुआ है और यहाँ पर मैच बॉक्स इतने ईजिली तो मिलते नहीं है तो मैंने लाइटर रखा हुआ है. और यहाँ पर एक छोटी सी डब्बी में मैंने कुछ चावल रखे हुए हैं टीके के साथ मिलाने के लिए.
और ये जो यहाँ पे वुडन बॉक्स है इसमें मैंने रखे हैं सारे कपूर जो कि मैं शायद सिर्फ फेस्टिवल्स में ही जलाती हूँ, और इस छोटी सी डब्बी में मैंने जो है सिंदूर रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस डिब्बी में मैंने अपनी सारी धूप रखी हुई है। ये डिब्बी ज्वेलरी के साथ आई थी तो मैंने इसे यूज़ कर लिया है। और यहाँ इस प्लास्टिक की डब्बी में नीचे मैंने सारी दिए के लिए बातियाँ रखी हुई हैं। और फिलहाल इसमें कुछ भोग नहीं रखा हुआ है तो मैं इसे वापस रख देती हूँ। और मंदिर के ठीक नीचे मैं अपनी जो रेगुलर जो पूजा पाठ में यूज़ होने वाली बुक्स हैं वो रखती हूँ, जैसे आरती संग्रह, हनुमान चालीसा और जो ये पूजन, इसमें सारी व्रत की विधियाँ लिखी हुई हैं। वैसे मैं ज़्यादा व्रत रखती नहीं हूँ। तो अब इसके बाद हम देखते हैं मैंने मंदिर के दूसरी ओर क्या रखा हुआ है। तो इधर मैंने जो है एक कलश में एक माना हुआ श्रीफल रखा हुआ है, एक मंदिर से हमें ये मिला था। और यहाँ पर जो ये पीतल का बर्तन है इससे मैं तुलसी में जल चढ़ाती हूँ, मुझे पता नहीं है इसे क्या बोलते हैं। उसके बाद वहाँ साइड में मेरी जो घंटी है वो रखी हुई है, और यहाँ पर रखा हुआ है मेरा ये ऑक्सीडाइज सिल्वर वाला अगरबत्ती स्टैंड, पर मैं अगरबत्ती बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं चलाती हूँ। और ये जो थाली है मेरी पूजा की थाली है, छोटी सी मैंने रखी हुई है, इसमें ये पानी के लिए एक बर्तन रखा हुआ है, और ये मेरा अगरबत्ती और धूपबत्ती स्टैंड इसे कह लीजिए, ये दिया जिसे हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, और इसमें जो भी मैं प्रसाद बनाती हूँ वो रखती हूँ, और फिर इसी से इस चम्मच से मैं भगवान को चढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पूरा मंदिर और उससे रिलेटेड चीज़ों को सजाया था। तो यहाँ पर ये मैंने एक शीट सी यूज़ की है जिसको मैंने कर्व में खुद ही काट लिया है। तो ये गोल्डन कलर की शीट थी, इसमें फ्लावर और लीफी पैटर्न बना हुआ था तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो ये मैंने ले ली थी। उसी के साथ मैंने यहाँ पर एक ये फ्लावर गार्डन कलरफुल सी लगाई है जिसमें मैंने कलरफुल फेरी लाइट्स भी लगाई हैं। और कभी नीचे बैठकर अगर मुझे पूजा करनी होती है तो मैं यहाँ पर पुस्तक रख के यहाँ नीचे बैठकर पूजा कर लेती हूँ, या फिर जो भी मंत्रोच्चारण करना होता है या हनुमान चालीसा पढ़नी होती है, बाद में मैट को फोल्ड करके मैं इसी टेबल की शेल्फ में रख देती हूँ, तो इससे मैट गंदी भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरे छोटे से मंदिर का डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये पसंद आया हो। आप देख सकते हैं कि ये मूर्तियाँ कितना चमक रही हैं, और साथ ही ये बर्तन भी बहुत चमक रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इनको साफ करने का एक आसान तरीका, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करना ना भूलें। उसमें मैंने आपको बताया कैसे मैंने इन बर्तनों को इतना चमकाया है, और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने ये DIY गार्लैंड बनाई है, तो उसके लिए भी आप उसी लिंक को फॉलो करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अ वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बाय बाय।